Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Masood here, and you are watching my YouTube channel, Learn English with Masood. Student, आज हम part one की preparation के सिलसिले में एक और previous board का paper discuss करने जा रहे हैं. वो students जो shortcuts यानी short questions की जो importance को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. This is Masood here, and you are watching my YouTube channel, Learn English with Masood. Student, आज हम part one English paper की preparation के सिलसिले में एक previous board, Gujarana board का group one है और ये 2019 का question है, उसको discuss करने जा रहे हैं. और वो student जो ये चाह रहे हैं कि हमें कुछ short question मिल जाएं और हम prepare कर लें, उनके लिए ये जो पेपरों की सीरीज़ मैंने अपलोड की है, इनमें जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें. एमसीक्यूज़ के लिए आपको कुछ ज़्यादा करना पड़ेंगे, उसके लिए दूसरी वीडियोस भी हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इसमें, इन तमाम पेपर्स में आपने वो स्किप नहीं करने हैं. तो चलते हैं, आज का पेपर 2019 ग्रुप वन इंग्लिश पेपर है, इसको डिस्कस करते हैं. डेला वॉज लुकिंग नर्वस, ठीक है, द गिफ्ट ऑफ मेजाई से है. और जब वो बाल कटवा कर आई तो कुछ नर्वस लग रही थी. नर्वस, इजी, बिजी, टेंस, हैप्पी, बहुत इजी है, इजी भी, बिजी, द आंसर इज टेंस. ओके, नंबर टू, द बॉय कंप्लेन टू गॉड अगेंस्ट किंग्स ब्रुटैलिटी. ये स्टोरी नंबर थ्री है, गुलिस्तान सादी से. और ग्लोरी, शोहरत होती है, फेमस, जिसमें बंदा पॉपुलर होता है. जस्टिस, इंसाफ, जुडिशियस, और क्रुएलिटी जो है, दैट इज क्रुएलिटी इज ब्रुटैलिटी, जुल्म, तशद्दुद. और रूल होता है हुकूमत करना. बहुत इजी पेपर है जी. यू आर अ स्पाई और अ होस्टाइल एलियन. स्पाई होता है जासूस, डिटेक्टिव को कहते हैं, एंड होस्टाइल मतलब एनिमी, एलियन, बाहर का, दूसरी दुनिया का, अजनबी, फ्रेंड, यूनियन, एंड स्ट्रेंजर इज द आंसर. जो अजनबी होते हैं, एलियन होते हैं, जो वाकफ कार नहीं होते हैं, अनफेमिलियर होते हैं, उनको हम एलियन कहते हैं. स्कॉलर है नेक्स्ट, सो द आंसर इज चार्ली. नंबर फोर, द मुस्लिम्स रैंक्स. यहाँ पर रैंक्स है, एलियन था यहाँ पर, नर्वस, अब यहाँ पर रैंक्स यानी उनके जो ऑनर है, उनके जो लेवल है, उनका जो स्टेटस है, उसकी बात हो रही है. ये है रुबायात से, पोएम से है. ऑनर, मर्जर, ग्रेड्स, ठीक है, एंड लाफ्स. सो यहाँ पर ऑनर का मतलब रिस्पेक्ट, और एक हमारे पास ग्रेड्स है, तो रैंक्स, ग्रेड्स, लेवल्स, चार्ली इज द आंसर. नंबर फाइव, शी शडर्स एट हर ओन थाट्स. ये हीट लाइटिंग से है, जैसे उसे ख्याल आता है किलर का, ठीक है, तो वो कांप उठती है. रिजॉइस, खुश हो जाना. मैरी, हैप्पी. शिवर विथ फियर, यस, शिवर विथ फियर, खौफ से डर जाना. क्राइस, चीखे मारना. स्क्रीम्स एंड गिगल्स, गिगल्स का मतलब होता है लाफ, ठीक है, टिटर, कहके लगाना. सो द आंसर इज बीटा. शी हैड मैग्निफिशेंट, जबरदस्त, एक्सीलेंट, ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड मतलब गुंगरेले बाल, हेयर इन परफ्यूजन, परफ्यूजन मीन घने, बहुत ज्यादा. हार्मनी, यूनियन, पॉपुलैरिटी, एंड अबेंडेंस. अबेंडेंस मीन ला तदाद, अंतदाद, जिसे बहुत ज्यादा हो, घने हों, डेंस हों, दैट इज अबेंडेंस. आफ्टर द प्रीलिमिनरी एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग, सलाम दुआ के बाद, दिस इज गॉड बी प्रेज से है, शमी अहमद सेड समथिंग. शमी अहमद जो रिश्ता लेकर खुद ही मौलवी साहब के पास आया था, तो उसने फिर सलाम दुआ के बाद जब बात करना शुरू की, फाइनल, यूजल, आमतौर पर, एक्साइटिंग, ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग, एंड इनिशियल. प्रिलिमिनरी मतलब इनिशियल, आगाज किया, बिगनिंग. आंसर इज डेल्टा. नंबर एट, वेरी फ्यू पीपल आर वेल ऑफ. वेल ऑफ मीन खाते पीते, अच्छे घराने से तलक रखना, रिच, एजुकेटेड, पढ़े लिखे, रिच, दैट इज वेल ऑफ. इग्नोरेंट, जो सप्रेस्ड लोग होते हैं, इग्नोरेंट, नज़रअंदाज किए हुए. एंड अगली, गंदे, रच, बुरे, बैट. आंसर इज बीटा. हूज सिविलाइजेशंस, जी तहजीब,
नंबर 9 टू मक्का बेंड्स, जिसकी तरफ जाते हैं कल्चर आर्ट्स प्रोग्रेस एंड मिथ्स। तो यहाँ पर सिविलाइजेशन दैट इज अल्फा कल्चर, यानी टू मक्का बेंड्स, हुज सिविलाइजेशन टू मक्का बेंड्स, ये रुबायात से है जिसमें अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि जो यूरोपियन है उनका मक्का जैसा कोई सेंटर नहीं है। द स्ट्रैप ब्रोक विद अ सडन सिंगल टक, ये जनाब आ गया थैंक यू मैम से, जब रॉजर ने पीछे से झटका दिया पुल खींचा बैक को तो वो पट्टी जो थी वो टूट गई। रोर नॉइस होता है शोर करना, जंप छलांग लगाना एंड स्विंग झूले देना झूलना, दैट इज द आंसर, अल्फा इज द आंसर। ओके, अब नेक्स्ट है जी एम सी क्यूज हैं, टिक द करेक्ट, मैंने एम सी क्यूज भी अपलोड कर दी हैं, उनको देखें और आराम से देखें सुनें, नहीं उसको आप एक दफ़ा पूरी वीडियो को एक दफ़ा सुन लेंगे तो इंशाल्लाह उसमें से आपको एम सी क्यूज जो हैं वो याद हो जाएंगे। व्हाट डिड स्टीवर्ट ड्रॉ फ्रॉम हिज पॉकेट, जी बटन बटन, उसने अपनी जेब अंदर की जो कोट की अंदर की जेब में हाथ डाला, ही रीच इन टू इन साइड द कोट एंड ड्रू A small seal in mail, that is, उसने एक सर्बमहर लिफाफा अपनी जेब से निकाला और कहा कि इस घंटी की आले की चाबी इसमें है। नंबर 12, what made Laura sob? सो का मतलब था रोना, ठीक है, क्यों वो रोई, पेरेंट्स की वजह से नहीं, मार्शियन क्लाइमेट की वजह से नो, रॉकेट्स की वजह से नो, रेडियो फ्लैश, उसे खबर मिली थी कि जमीन पर जंग शुरू हो चुकी है और न्यूयॉर्क पर एटम बम हिट हुआ है, इसलिए उसने रोना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है जी नंबर 13, क्रेटन वॉज ड्रेस्ड इन द फैशन 1850-1855, ये जो ईयर्स हैं इनको याद रखना मुश्किल होता है, तो ये 1860 इसको याद रखें, जितने भी ईयर्स हैं यहाँ पर ओ से याद रखें, फैशन से याद रखें, क्रेटन भी लिखा हुआ है एंड दैट इज 1860 द आंसर चार्ली। जनरल पार्स, जनरल पार्स का बेटा एस मिस नहीं करना लिखते हुए, ये इसका नेम है, उसका स्पेलिंग है, इसको मिस नहीं करेंगे। ओके, वॉज थिंकिंग ऑफ हिज ओन, वो क्या सोच रहा था, प्रमोशन ऑक्यूपेशन शोभा डिस्टिंक्शंस किसी फर्क इम्तियाज और इंस्ट्रक्शन, ही वॉज थिंकिंग अबाउट प्रमोशन, जब क्रेटन ने उसके माइंड को रीड किया तो उसने बताया कि यू आर वॉचिंग न्यू स्टार, ठीक है, अपने शोल्डर्स पर तुम एक नया स्टार देख रहे हो मुझे पकड़कर। ओवरकोट हैज बीन रिटन बाय अहमद नदीम कासमी, यस अहमद नदीम कासमी ने तो लिखी है वो कौन सी बोली पोएम, ठीक है, और जिसमें उन्होंने अ सिंधी वुमन, उसके बाद आपकी द फीड है जिसमें उन्होंने ये अहमद नदीम कासमी ने लिखी हुई है। नेक्स्ट शेख सादी है, शेख सादी ने आपको पता है कि वो जो स्टोरीज हैं 1, 2, 3 वो लिखी हुई हैं। ओवरकोट जनाब गुलाम अब्बास ने, ये आपको याद है क्योंकि आपने उर्दू में भी इसको पढ़ा हुआ है, और जरूम के जुनूम ने स्टोरी लास्ट वन द आथर एंड द अदर्स आर आथर एंड द एंजल एंड अदर्स, सो 15 आंसर इज चार्ली जी। नेक्स्ट योर फेवरेट क्वेश्चन है, आपको आता है फर्स्ट क्वेश्चन आगे पहले, इफ ही डैश आई शैल गिव हिम बुक्स, जी वेल डन बेटा, reads, this is present indefinite first condition है और second में shall या will आपको नजर आना चाहिए। It dash overcast tomorrow, tomorrow है तो इसका मतलब है is भी use नहीं होगा, अगर is going to होता तो फिर लग सकता था, वो भी याद रखें, was past के लिए है, will be, yes will be overcast tomorrow, कल बादल होंगे, has been is present tense में use होता है, present perfect में use होता है, so we will go for Charlie। नंबर 18, ही डैश फॉर कराची व्हेन वी रीच, रीच से हमें पता चलेगा कि हमने पास्ट का ही लेना है, हैज लेफ्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है, विल लीव फ्यूचर का है, हैड लेफ्ट पास्ट परफेक्ट है और लीव्स प्रेजेंट का है, सो वी विल गो फॉर चार्ली, दैट इज ही हैड लेफ्ट फॉर कराची व्हेन वी रीच, जब हम वहां पहुंचे तो वो कराची के लिए रवाना हो चुका था, यस शी वॉक्ड एज इफ, इसमें अब एज इफ आ गया हुआ है, ये अनरियल कंडीशन है, walked भी है, उसके साथ शी के बाद हम was use नहीं करेंगे, unreal condition, real condition हो तो was use हो सकता है, जैसे हम कहते हैं ना she was as intelligent as her sister, तो वहां पर real condition है और यहां पर unreal condition है, so we will go for delta verb, verb is used with all singular plural pronouns or nouns in unreal condition।
20, द मदर डैश हर चाइल्ड फॉर मेनी ईयर्स, काफी सालों से, यहां पर आपको पास प्रेपोजिशन मिल गई, फॉर इज केयरिंग, नो हैज बीन केयरिंग, यस कई सालों से देखभाल कर रही है, cares, this is present indefinite, and was caring is the past one, so we will go for beta for 20. I hope you have scored 20 marks in this objective test. It's rather easier, first one se hai. Ab next jo subjective hai, isme aapne ye khyaal rakhna hai ki beta jitne bhi question isme diye hue hain un sab ko aapne prepare kar lena hai, unme se koi bhi question aap jo skip nahi karenge, aur video ko पूरा देखा करें, हाफ या स्किप करके मत छोड़ा करें, क्योंकि उसमें जो पॉइंट्स होते हैं नंबर लेने वाले, जो कीवर्ड्स हैं वो आप मिस कर जाते हो. आज मैंने गुजराना बोर्ड की एक मार्किंग स्कीम भी अपलोड की है, उसके साथ मैंने आपको स्टेंजा भी क्रोना सिखा दिया है, तो वो उसको भी अच्छी तरह समझें और लर्न करें. जी सब्जेक्टिव पेपर है जी, अब इसी पेपर का ग्रुप वन है 2019. राइट आंसर इन 3 to 5 लाइन्स, ज़्यादा लेंथी नहीं करना है आपको. ये 9 क्वेश्चन है, इनमें से आपने कितने करने हैं, 6 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है. 6 क्वेश्चन करने हैं जी. हम कलर चेंज कर लेते हैं अब. व्हाट शुड बी द रोल ऑफ काजी, ठीक है, ही शुड बी जस्टिस, ही शुड बी आई मीन द अनबायस्ड, उसको अमीर गरीब में ख्याल रखना चाहिए, ही शुड टेक केयर ऑफ द पुअर ऑल्सो. गुलिस्तान सादी से है. What type of man Jeff's father was? He was very, yes, religious mind person, very energetic, very confident, and very optimistic. इसमें की वर्ड आपका होगा very optimistic. उसने अपनी बीमारी को नज़रअंदाज करके बहुत ज़्यादा मेहनत की. Hard work is a key to success. और याद रखें, जो मेहनत करते हैं वो उसका फल ज़रूर पाते हैं. Clearing in the sky से है जी. Why did the parents rebuke? ये rebuke झिड़की देना होता है, ये भी वर्ड आपको वर्ड सिनोनिम में आ सकता है. उन्होंने अपनी बेटी को क्यों झिड़की दी? Because she misbehaved with the doctor. इसलिए उन्होंने उसको अपनी बेटी को झिड़का. What did the quack pretend to cure? जी he pretend to cure goiter. ठीक है, अब ये इतना शॉर्ट आंसर नहीं लिखेंगे, इसके साथ थोड़ा सा कुछ ऐड कर लेंगे. जब उसने देखा एक कैमल मैन को कि अपने ऊँट का उसने इलाज किया, लेकिन वो इलाज नहीं था, वो तो उसके गले में मेलन स्टक किया था, इसलिए वो निकाल रहा था. तो ये सेम उसने ओल्ड वुमन पर अप्लाई किया एंड शी एक्सपायर्ड इंस्टेंटली. व्हाट डिड टर्बट, यस थिंक ऑफ जॉर्कन्स आर्गूमेंट. टर्बट ने जॉर्कन्स आर्गूमेंट के बारे में क्या सोचता था, उसने उसके बारे में क्या कहा. जी नेक्स्ट नंबर 5th है क्वेश्चन. व्हाट डिड ह्यूबर्ट थिंक ऑफ जॉकन्स आर्गुमेंट. ह्यूबर्ट डिसएग्रीड, क्योंकि जॉकन्स कहता था कि सब कुछ डिटर्मिनेशन है, जबकि टर्बट जो था उसने डिसएग्री किया जॉकन्स के उस पॉइंट ऑफ व्यू से. वो अपॉर्चुनिटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहता था. व्हाट डिड मेक ह्यूबर्ट शेमफुल, ह्यूबर्ट को जी ह्यूबर्ट को किस चीज़ ने ज़्यादा डिस्ग्रेस किया. ह्यूबर्ट को सबसे ज़्यादा डिस्ग्रेट किया उसकी लायर, यानी उसको कहते थे कि मुझे लायर कहा गया. डिड मेक ह्यूबर्ट शेमफुल, ही थॉट दैट, यस ही थॉट दैट पीपल मेड फन ऑफ हिम एंड कॉल हिम अ लायर, सो ही थॉट दैट नथिंग इज शेमफुल टू बी कॉल्ड अ लायर. That is, this made him shameful. He said that there was nothing so shameful as to be called a lawyer. The next one is number 7. How dangerous can be a Martian virus? It can be very dangerous because it made them dark and yellow-eyed. Okay? That is made a virus. What was the nature of large woman job? That she worked in a hotel beauty shop. There came different types of girls. ठीक है, तो वो बनाओ सिंगार की एक शॉप पर काम किया करती थी. And it remained open late at night. Next है जी, who were Magi? Magi, yes. Who were Magi? Yes. Who were Magi? Yes. They were the first to give Christmas gifts.
being wise, their gifts were doubtless wise ones. Yes, these Magi, as you know, were the wise men, wonderfully wise men, who brought gift for a newborn Christ child. And the next part is from plays. Answer 3 to 5 line sentences, any 5 of the following questions. Why couldn't the girl describe the killer? She couldn't describe the killer because she did not see him in the light. There was darkness. She was unable to see that killer. This is very important question of place. ये भी जो place के जितने भी question हैं, इनको आप अच्छी तरह prepare करने, उसमें से ये top पर है. Why did the girl consider the first man his helper? Because when she reached a bus terminal, the killer was already there. What was the condition of the weather? Yes, in heat lightning, it was raining, it was thundering, there was no light, and heavily it is raining over there. How does Creighton prove his extraordinary powers? Creighton proved his extraordinary powers by reading their mind, by creating a wall of crystal, by making them stand still. So this is also very important questions. Can the people of the earth compete with those? No, they can't compete with those of Creighton. They don't die. They travel in machines without having any instrument. They can read mind. They can make a crystal wall. All these advancements are very rare with the people of Earth. What is Harry's philosophy? It's very simple. Take it its easy way. That is the key words. Harry's philosophy, take it easy way. What kind of judge Apple got? It was not actual judge. Once he judged the hounds in a country fair, so the people started calling him judge. So he was not a judge of court, of any real judge. Why does Clay need money? It's very important question. It is very important question for all the boards. Clay needs money to get his father back. Clay needs money to buy gifts for his mother. So he thinks that only money will help to create a peace in their house. The next one from poetry, you have to solve 4 questions out of 8 or out of 7. What does happen when sun appears after the rain? Yes, it is a lovely scene, and every dark place is shining. The loveliest and wondrous light will fill every dark place. It's a beautiful scene. What does nightmare bring? It brings mail, love letter, letters, money order, parcels, etc. For all the people of the country. What are the feelings of the poet standing in the dark? This is from In the Street of the Fruit Stall. He is depressed. It is a wartime. He is fed up with the situation, with the current situations, poverty, illiteracy, war, everywhere. Who was Ozymandias? Ozymandias was a king of kings. He made a statue, and after passing many years, his statue also got deteriorations. Who was Ibrahim? Ibrahim alayhi salam was the prophet of Allah Almighty, and he had a very tough time with his enemies. He was thrown in the fire, but the fire did not hurt him. Describe the scenes of devastation in the poem. This is very popular, very important poem, A Tale of Two Cities. You know, Hiroshima and Nagasaki were bombed the first time in the history of the world, and both these cities smashed to the ground. Flavors, hotels, everything was smashed. What were the effects of attributes of gods? Attributes of gods, it keeps us away from sin. We avoid sinning, we avoid
foul talk, we avoid planning against our against anyone. So this is the third part of the paper, and these questions are very important, very important. Make it a bank of your questions. Write an application to the principal requesting him for readmission. Readmission ke liye request karni hai aapne. And the next one, against the option is there, either you have to write application or letter. Write letter to your brother advising him to avoid bad company and pay attention to study. Smoking chhodni hai ji, bad company chhodni hai, isme aapne isko learn kiya hua hai. Aur isko achi tarah likhein aur make it of 2 pages. Write a story on the moral, as you sow, so shall you reap. Jaisa boge vaisa kaatoge. Isme aap tit for tat bhi likh sakte ho. और इसमें आपकी वो स्टोरी जो कैमल और वुल्फ वाली स्टोरी है, वो जब वाटर जो वह मेलन खाने के लिए जाते हैं तो वो शोर करता है, फिर उसके बाद वो वहाँ पर उसकी पिटाई होती है, तो वापसी पे जो कैमल है वो फिर डुबकियाँ लगाता है, तो वो फिर उसका भी बुरा हाल हो जाता है. एंड ऑप्शन है मॉरल के साथ, आपको मॉरल का ही ऑप्शन आएगा. तो नेक्स्ट है प्राइड हेट फॉल. इसमें आप हेयर एंड टर्ड टाई वाली भी स्टोरी लिख सकते हो, उसने गुरूर किया. दूसरा सेकंड में आप वो जो बारा सिंगा वाली भी है, उसने भी अपने सींग पर बड़ा फ़ख्र किया. तो ये दोनों स्टोरी इसमें आती हैं, लेकिन इसमें वो हेयर एंड टर्ड टाई वाली जो है ना वो दी बेस्ट है जी. नेक्स्ट है जी, नो टाइम टू स्टैंड बनीथ द बोज. मैंने आपको कहा था कि जो लेयर की लेयर पोइम है उसके तमाम स्टैंजा जो है मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ बोर्ड में आते रहते हैं. So this stanza has been taken from Layer, written by William Henry Davis. आज मैंने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने आपको उसका फॉर्मेट बताया है. उसके बाद नेक्स्ट एक स्टैंडा भी करना एक अपलोड करूँगा, तो उसको याद कर लें. उसके अंदर आपने आपने क्या याद करना है, आपने सिर्फ नेम्स ऑफ पोएट और नेम ऑफ पोएम जो है वो अच्छी तरह लर्न करने हैं. रेफरेंस आप सही लिखेंगे तो फिर आगे आपका क्वेश्चन चेक हो जाएगा जी. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है जी. पंक्चुएशन का आई और आगे लिखा हुआ है डोंट, आई कैपिटल डोंट में पॉस्ट्रफी आ गया. सी आ वीड इन दिस पैच, तो ये कौन बात कर रहा है यहाँ पर? यस, ये यहाँ पर क्लियरिंग इन द स्काई में बात कर रहा है. जेस, बहुत इजी है. और इसमें वो कह रहा है कि मुझे यहाँ पर कोई घास नजर नहीं आ रहा, कॉमा आ गया, फिर उसके बाद आई लाफ्ड. ठीक है, यहाँ पर उसके बाद फुल स्टॉप आ जाएगा. This is your reporting speech. ये आपकी I left जो है ये reporting है. और I don't see, ठीक है, weeds in this patch, तो ये आपकी ये वाली जो yellow color है ये आपकी reported speech है. उसके बाद full stop आएगा, फिर आपकी एक और reported speech है लैदा, और ये question कर रहा है won't they grow here. ठीक है, मैं आपको ये अब दिखाता हूँ दूसरे वाला जी. ये part है हमारे पास, इसमें आपकी यस जी. अब इसको हम पंक्चुएट करते हैं. तो पंक्चुएशन में आपने सबसे पहले ये आई है, इसको हम कैपिटल करेंगे. ठीक है, ये हमारा कैपिटल हो गया. और इसको कैपिटल करने के बाद आप इसको बोल्ड भी कर देंगे. ठीक है, इसके शुरू में आप इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और आई डोंट का फिर यहाँ पर एक अपॉस्ट्रोफी आ जाएगा. आई सी, आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, यहाँ पर आप कॉमा यूज़ करेंगे. उसके बाद इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद आई को फिर आप कैपिटल कर देंगे. ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा फुल स्टॉप आ जाएगा. फिर यहाँ पर आपका नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ और उसमें डब्ल्यू को हम फिर कैपिटल करेंगे. और एक यहाँ पर पॉस्ट्रफी आ गया. पॉस्ट्रफी आने के बाद वोंट दे ग्रो हियर, अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है. तो क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद इसको भी यहाँ पर क्लोज कर देंगे. तो इस तरह ये वाली जो आपकी है, आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, आई लाफ्ड क्लियरिंग इन द स्काई से है, वोंट दे ग्रो हेयर. फिर नेक्स्ट आपका पैरावर्ड्स हैं, और पैरावर्ड से पहले हम नीचे क्वेश्चन ट्रांसलेशन कर लेते हैं. वंस अ किंग एंड अ पर्शियन स्लेव वॉज सेलिंग इन द सेम बोट, एक दफ़ा एक ईरानी बादशाह अपने गुलाम के साथ जी एक ही कश्ती में सवार थे. और द स्लेव हैड नेवर बीन एट सी, और गुलाम कभी समंदर का सफ़र जो था उसने नहीं किया था. द स्लेव हैड नेवर एट सी एंड नेवर एक्सपीरियंस एनी कॉमेडी, और कभी किसी आफत का भी सामना नहीं किया था.
After some time, the boat was hit by a storm and started tossing. थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद क्या हुआ कि कश्ती तूफान की जद में आ गई और उछलने यानी हचकोले खाना शुरू कर दिया. It was very inconvenient for the passengers, और मुसाफरों के लिए वो काफ़ी बहुत तकलीफ दे था. All remained quiet, तमाम खामोश रहे. Maswai, except the slave who in fear of being drowned began to cry and tremble. वो सब खामोश थे सिवाय उस गुलाम के जो डूब जाने के खौफ से चीखने और कांपने लगा. Began to cry and tremble and created inconvenience for the others, और दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बना. The others tried to pacify, pacify को खामोश करना, him by kindness, शफकत एंड affection, प्यार से, but he did not hear anybody. दूसरों ने उसे बड़ी शफकत और प्यार से समझाने की कोशिश की लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी. ट्रांसलेट इनटू उर्दू में जो पैसेजेस हैं ये अगर आप गूगल पर जाकर लिखें ट्रांसलेशन, यस उर्दू ट्रांसलेशन बुक वन पार्ट वन BISEG बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाय मसूद, तो वहाँ पर आपको गूगल पर ये ट्रांसलेशन के जो इम्पोर्टेंट पैसेज हैं ये आपको वहाँ पर मिल जाएंगे. जी नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पैरा वर्ड्स का, उसको करते हैं. ये पंक्चुएशन भी हो गई और हमारी ट्रांसलेशन भी हो गई. अब यहाँ पर जो पहला है सीज, इसका मतलब होता है गिरफ्तार कर लेना, किसी को पकड़ लेना, ठीक है. और ये आपने वर्ड सीज पढ़ा हुआ है उसमें द फुलिश क्वैक में भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है. दे सीज हिम, सीज ये होता है बंद कर देना, यानी सीज फायर से आपने ये पढ़ा होगा. द ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू सीज फायर. इसी तरह नेक्स्ट है मेयर, ये घोड़ी को कहते हैं, ठीक है. मेयर मेक्स द मनी गो, मेयर मेक्स द, यस मेयर मेक्स द मनी. यहाँ पर मेयर मतलब घोड़ी, मेयर मतलब महस, बिल्कुल ओनली के मीनिंग में है. यस दैट इज, आप इसको हम करते हैं नेक्स्ट वन इज एडिशन. ओ मेयर, मनी मेक्स द मेयर गो, जो जिसके घर दाने उसके कमले भी सियाने, दैट इज अ मेयर मीन, एक मुहावरे के साथ बोली जाती है मेयर. ही इज अ मेयर क्लर्क, वो एक महज एक क्लर्क है. एडिशन, एडिशन इज अशात, ठीक है, इज अ न्यू एडिशन, न्यू एडिशन इज अवेलेबल इन द मार्केट. एंड एडिशन मीन अजाफा होना, किसी एड से है ये, इसमें इसमें आपको ए डी नजर आ रहा है, ठीक है, एड करना. This is a this computer, this version is a good addition in IT in IT field. Principal, इसमें PAL को याद रखेंगे, ठीक है, एक बड़ा होता है और, ठीक है. Our principal is all in the college and that is principal. अब यहाँ देखिए ये ना, तो इसके साथ S याद रखें. Life should be easy, life should be easier if you have good principals. He is a man of principles. Our principal, दोनों को कट्ठा यूज़ कर सकते हैं. Our principal is a man of principles. इसके बाद stare है, he stared the cow, या the lion stared the cow. Stare steps होती हैं, ठीक है. He fell down from two stairs. Naughty, K-N-O-T-T. Naughty mean very difficult, problematic. This is a very naughty issue, a question, some. And naughty means shararti. N-A-U-G-H-T माना, kids are very naughty. And heel, heel का होता है एड़ी होती है, ठीक है. His heel is aching, उसकी heel में दर्द हो रही है. और heel होता है सेहत उन्मान होना, ठीक हो जाना. His wounds will heal soon. Birth, what is your date of birth? B-I-R है. और birth जो होता है वो ये seat होती है जो गाड़ियों में हम reserve कराते हैं. He reserved a berth in Shalimar Express. So this is the second paper, और ये हमने इसमें इसको complete किया. आप इसमें से paragraph को भी learn करें और जो important question है उनका एक bank बना लें, इनको ज़रूर prepare करें. इंशाल्लाह इन पांच paper के अगर आप question answers इकट्ठे कर लेते हो तो I don't think के आपके marks जो हैं वो इसमें 30 से over 30 नहीं आएंगे, वो ज़रूर आएंगे. मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो तक, और मुझे दुआ में याद रखिएगा. और आप भी इंशाल्लाह ताला कामयाब होंगे और इस उम्मीद से काम करें कि आप बहुत अच्छी जो है वो सक्सेस हासिल करेंगे.
Allah Hafiz, take care.